हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ कर ही दम लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और राज्य में नशा माफिया, भू माफिया और खनन माफिया का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समाज के ठेकेदारों ने एक महिला और उसके बच्चों का हुक्का पानी बंद कर दिया। दरअसल महिला का पति मानसिक रूप से बीमार था और 2 साल पहले बिना बताए घर छोड़कर चला गया। पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 2 साल बाद भी उसका पता नहीं चला। अब गांव के लोग महिला पर एक विधवा की तरह रहने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन महिला के विरोध करने पर बच्चों समेत महिला के सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुना दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक 12 साल की नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। जिला अस्पताल में लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन रात में ही लड़की और बच्चा दोनों अस्पताल से गायब हो गए। अस्पताल के कर्मचारियों ने युवती और उसके बच्चे की तलाश की, लेकिन वो दोनों नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में खलल डालने की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सामरीपाट थाना इलाके में सीआरपीएफ ने करीब 1.25 किलो विस्फोटक बरामद किया। मौके से कई डेटोनेटर भी बरामद हुए। सारा विस्फोटक एक नाले में छुपा कर रखा गया था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ ने साजिश नाकाम कर दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शौचालय बनाने के नाम पर लाखों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिले के सोनपुर कला गांव को भ्रष्ट अफसरों ने खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन गांव में कोई शौचालय बना ही नहीं। अफसरों ने फाइलों में ही पूरे गांव में शौचालय बना डाले। कई ऐसे लोगों के नाम से शौचालय बना हुआ दिखाया गया जो गांव में रहते ही नहीं है। एमपी के दतिया जिले में भू माफियाओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का मामला सामने आया है। करोड़ों की सरकारी जमीन की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कराकर जमीन का मालिकाना हक ही बदल दिया गया। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर बैठने वाले स्टाम्प विक्रेता और भू माफिया स्कैनिंग के जरिए डुप्लीकेट रजिस्ट्री तैयार करते थे। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा के पहलवानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सोनीपत के साई खेल सेंटर के पहलवानों का कहना है कि साल 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने नगद इनाम की घोषणा की थी, लेकिन आज तक कैश अवार्ड नहीं मिला। मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी अब मंत्रियों और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर हरियाणा सरकार के सभी मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बेटे पर लगे आरोपों के बाद सुभाष बराला पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ओपी धनखड़ भी रेस में शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होने वाले 140 तरह के लैब टेस्ट पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए रेट शनिवार से लागू हो गए। अब इन टेस्ट के लिए लोगों को 50 रुपए से 500 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी के लिए इलाज और महंगा हो गया है। हालांकि बीपीएल लोगों के लिए सरकार ने टेस्ट फ्री रखे हैं। देहरादून में करीब 80,000 निगम कर्मचारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। निगम कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सचिवालय तक मार्च भी निकाला। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे।